महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता तथा निगम आयुक्त रोहित व्यास व अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी सहित सभी MIC सदस्यों की उपस्थिति में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शहर हित के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। महापौर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिससे भिलाई के प्राइम लोकेशन में भव्य तारामंडल बनेगा। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र प्रदान किए जाएंगे। घुमंतु पथ विक्रेताओं को हॉकर लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। वार्ड 47 के फायर ब्रिगेड मैदान का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। भिलाई निगम क्षेत्र के SLRM सेंटर के माध्यम से कचरा पृथकीकरण तथा गीले कचरे से खाद बनाने का काम भी किया जाएगा। इन सभी पर MIC ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। देखिए, MIC की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आए थे उन पे मुहर लगी है और कई ऐसे महत्वपूर्ण जो कार्य थे उनकी स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भिलाई शहर में एक भव्य जो है तारामंडल बनेगा, निर्माण होगा उसका, इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके साथ ही जो है डिजाइनर पोल वो निगम क्षेत्रों में लगेंगे और उसमें प्रकाश व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा जो पथ विक्रेता हैं उनको परिचय पत्र भी उनको दिया जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी जो और भी गतिविधियां, जैसे SLRM सेंटर का जो संचालन है, जिसको कचरा जो है उसका पृथकीकरण करके जो गीले कचरे से खाद बनाने का है और सूखे कचरे को पृथकीकरण करके उसका पुनर्चक्रीकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके लिए भी सहमति दी गई। महापौर परिषद की बैठक में रखे गए प्रस्तावों को महापौर परिषद के सभी सदस्यों ने खूब सराहा और अपनी सहमति भी प्रदान करते हुए सभी प्रस्तावों को पारित कर दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।